ये दोनों भी बॉबी के भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगी और मृणाल का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। दादा चलिए। अरे मैडम, गलत जगह पार्किंग लगा दी, चलान कट गया, थोड़ा टाइम लगेगा। अब ठीक है, मैं ऑटो रिक्शा से चली जाऊंगी। उसको ना तो सही थोड़ा। वंदना कहाँ रह गई? चंदन लाने गई थी। हाँ, बस एक बार वंदु आ जाए चंदन लेके, फिर हल्दी में मिला के उस चंदन को हम रस्म शुरू करेंगे। चंदन की एक और खास बात है, सांप लिपटता चंदन की लकड़ी से ही है और उसी चंदन की लाठी से उसे मारा भी जाता है। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? सीधी सीधे बोलो ना, क्या बोलना है? सीधी सीधी बात ये है पम्मी बुआ जी, कि ना ये शादी की रस्म होगी और ना ही ये शादी होगी। क्या ये क्या कह रही है? हाँ? भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? अब इन्हें शुरू से ही प्रॉब्लम थी बॉबी और मेरे रिश्ते से, इसी वजह से लास्ट टाइम हमने भाग के शादी की। पर अब जब मामा जी खुद हमारी शादी धूमधाम से करवा रहे हैं, तो आप बीच में क्यों बोल रही हो? क्या चाहती हो आप? नहीं, कैसे बेशरम हो सकती है तुम मृणाल? जब इंसान धोखा देता है ना, कम से कम वो नजर चुरा के बात करता है, इतना भी लियाज नहीं है तुझमें? भाभी प्लीज, ये आप क्या बोल रही हैं? वंदना क्या हुआ है? वही हुआ है जिसका डर था। ये मृणाल बॉबी और पूरे परिवार को धोखा दे रही है सर। मुझे फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। जितना झूठ बोलना है बोल ले, जब सच सबके सामने आ जाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा। क्या किया है सत्यानाशी लड़की ने? मैंनु पता सी कोई ना कोई सियापा करेगी। की कहता? भाभी प्लीज, प्लीज भाभी स्टॉप दिस। एक मिनट, कोई बताएगा हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ वीर जी, मेरा बॉबी बर्बाद हो गया। ओके इनफ, एक मिनट डैड। बुआ जी, पता ना तुम जब गई थे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम ठीक ठाक थी, जब वापस आई हो क्या हुआ है अचानक सबको बताओ। ये देखिए कुणाल सर, सबको सब समझ में आ जाएगा। इंसान के जुबान पे किसी को यकीन नहीं है, सबको सबूत चाहिए ना, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया। मंदिर से पावन चंदन लेकर आ रही थी, तब नजर आया ये सांप। मैंने कहा था ना, कहा था ये लड़की सत्यानाशी है, बर्बाद कर देगी मेरे बच्चे को। तुझे ना मृणाल इस घर में रख के सबसे बड़ी गलती की है, और इसका खामियाजा मुझे जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। मुझे लगा था बॉबी से शादी होने के बाद तू सुधर जाएगी, बदल जाएगी, पर नहीं। बिच्छू को डूबने से भी बचाओ ना, तब भी वो काटता है। और ये तेरी आदत नहीं है मृणाल, ये तेरी फितरत है। इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। शायद यही है प्यार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।